The Indian Museum is the 9th oldest museum in the world and also oldest and largest museum in India. 1840 में the Asiatic Society of Bengal, Kolkata City में ये म्यूजियम का निर्माण किया. टोटल 6 सेक्शन में 35 गैलरी अभी मौजूद है. अगर सही से दिखा जाए पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 दिन तक लग जाएगा. 4000 साल से पुराना इजिप्शियन ममी से लेकर छोटे बड़े पेड़ पक्षी, मेनी टाइप ऑफ एनिमल मैमल्स, डीएनए फॉसिल से लेकर और भी बहुत कुछ वर्ल्ड ओल्ड हिस्ट्री बहुत करीब से जानने को और देखने को आपको मिल जाएगा. हाय, माय नेम इज सौरभ राजगिरी और आप देख रहे हो राइट राइडर्स. बाहर बारिश बहुत हो रहा है. आज मेरा प्लान कुछ दूसरा था लेकिन बारिश के वजह से सारा प्लान आज पोस्टपोन करना पड़ा. मैं अभी कोलकाता का पार्क स्ट्रीट एरिया में आया हूँ और पार्क स्ट्रीट एरिया में इंडियन म्यूजियम है जो एशिया का बिगेस्ट म्यूजियम है, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं आया हूँ. इधर थोड़ा सा धीरे बात करना पड़ रहा है क्योंकि ये म्यूजियम है, उधर सब कुछ साइलेंट है. आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं इंडियन म्यूजियम को एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा. और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए. कमेंट में आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिए. चलिए आज का डिजिटल सफ़र शुरू करते हैं इंडियन म्यूजियम में. द इंडियन म्यूजियम कोलकाता का मेन सिटी के अंदर पार्क स्ट्रीट एरिया में पड़ता है, इसलिए सिटी के अंदर से कोई भी प्लेस से आप ओला, उबेर या फिर बस के थ्रू बहुत इजीली आप म्यूजियम आ सकते हो. आप अगर मेट्रो से आओगे, म्यूजियम का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पार्क स्ट्रीट. पार्क स्ट्रीट मेट्रो से 1 नंबर गेट से बाहर निकल के पैदल आपको सीधा 1 मिनट तक चलना पड़ेगा. 1 मिनट पैदल चलते ही आप म्यूजियम आ जाओगे. म्यूजियम का एंट्री टिकट काटने के लिए आपको मेन बिल्डिंग का लेफ्ट हैंड साइड में आना होगा. मंडे को छोड़कर म्यूजियम हर दिन खुला रहता है. टिकट का प्राइस एडल्ट के लिए 50 रुपीज़, चिल्ड्रेन एंड स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ एंड फॉरेनर के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा. म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी के लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा. म्यूजियम में लॉकर का फैसिलिटी आपको म्यूजियम मेन गेट का राइट हैंड साइड में मिल जाएगा. अंदर कोई भी बैग सामान लेके आप नहीं जा पाओगे. आप अपना साथ सिर्फ वाटर बोतल, मोबाइल और वॉलेट कैरी कर पाओगे. मेन गेट में आपका अच्छा से सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप म्यूजियम के अंदर एंट्री हो सकते हो. म्यूजियम में एंट्री होने के बाद ग्राउंड फ्लोर में जो जो गैलरी है वो पहले आप विजिट कीजिए. एंट्री होने के बाद आपका राइट हैंड साइड में है भारत गैलरी. मध्य प्रदेश सतना में 1893 में एक बुद्धिस्ट टेंपल के पास ये विशाला का रेलिंग डिस्कवर हुआ था. ये है वो बुद्धिस्ट टेंपल का रेलिंग. ये रेलिंग का निर्माण रेड सैंडस्टोन से हुआ है. भारत गैलरी के पास है ब्रोंज गैलरी. आपको इधर बहुत पुराना 18 टू 14 सेंचुरी का मेटल स्कल्पचर देखने को मिलेगा. ये सब स्कल्पचर इंडिया एंड फॉरेन कंट्री से कलेक्ट हुआ है. ब्रोंज गैलरी के पास है कॉइन गैलरी. ओल्ड दिन में कॉइन कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता था, राजाओं के जमाने में कॉइन दिखने में कैसा था, वो सब कुछ आपको इधर देखने को मिल जाएगा. ये है रानी विक्टोरिया टाइम काल का गोल्ड कॉइन. कॉइन गैलरी के पास है डेकोरेटिव गैलरी, आर्कियोलॉजी गैलरी एंड गांधर गैलरी. द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा का बहुत सारा स्कल्पचर आपको इधर देखने को मिल जाएगा. ये सब स्कल्पचर 2nd सेंचुरी का है. इंडिया एंड इंडिया का बाहर का कुछ कंट्री से ये सब स्कल्पचर कलेक्ट हुआ है. एंट्री गेट का राइट हैंड साइड में गैलरी घूमने के बाद मैं फिर से मेन गेट के पास आया. मेन एंट्रेंस में इंडियन लायन का बहुत बड़ा स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाएगा.
म्यूजियम बिल्डिंग के अंदर ये है बहुत खूबसूरत एक ग्राउंड, आप इधर बैठ सकते हो। म्यूजियम एंट्री गेट का लेफ्ट हैंड साइड में है टेराकोटा एंड माइनोर आर्ट गैलरी। इधर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको इधर ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। टेराकोटा गैलरी से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड में है रॉक एंड मिनरल गैलरी। इधर आपको इंडिया एंड फॉरेन कंट्री का बहुत सारा रॉक का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। रॉक गैलरी के पास है ह्यूमन इवोल्यूशन गैलरी। एक गैलरी में हम लोग कैसे आदिम मनुष्यों से मॉडर्न हुआ उसका हिस्ट्री आपको इधर देखने को मिल जाएगा। इधर आपको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगा। म्यूजियम में ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए। फर्स्ट फ्लोर में म्यूजियम बिल्डिंग का ओल्ड आर्किटेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट फ्लोर में एंट्री होते ही आप सामने रानी विक्टोरिया का एक खूबसूरत स्टैचू देख पाओगे। विक्टोरिया स्टैचू का बिल्कुल पीछे है पेंटिंग गैलरी। इधर आप इंडिया एंड फॉरेन कंट्री का बहुत सारा आर्टिस्ट का खूबसूरत पेंटिंग देख पाओगे। अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाया। विक्टोरिया स्टैचू के आगे राइट हैंड साइड में है इजिप्ट गैलरी। ये इंडियन म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन है। इधर आपको 4000 साल से भी पुराना इजिप्शियन ममीज देखने को मिल जाएगा। इधर भी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं इधर फोटो एंड वीडियो नहीं कर पाया। विक्टोरिया स्टैचू का लेफ्ट हैंड साइड में है फॉसिल्स गैलरी। फॉसिल्स गैलरी से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड में है जूलॉजिकल गैलरी एंड राइट हैंड साइड में है मैमल गैलरी। इधर आपको स्केलेटन देखने को मिल जाएगा मेनी टाइप ऑफ मैमल्स का। ह्यूमन इवोल्यूशन को भी आप इधर बहुत अच्छा से देख पाओगे। खासकर बच्चे को ये गैलरी बहुत पसंद आएगा। मैमल्स गैलरी का लेफ्ट हैंड साइड में ये है जूलॉजिकल गैलरी। जूलॉजिकल गैलरी में हमारे इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी आपको मिल जाएगा। जूलॉजिकल गैलरी के पास है बोटानिकल गैलरी। इधर आपको एंशियंट डेज का फार्मिंग एंड कल्टीवेशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। म्यूजियम में टॉयलेट का फैसिलिटी आपको ग्राउंड फ्लोर में राइट हैंड साइड में मिलेगा। टॉयलेट काफी साफ सुथरा एंड वेल मेंटेन है। म्यूजियम में आप अगर ब्रेकफास्ट और लंच करना चाहते हो आपको टॉयलेट के पास वाले कैंटीन में जाना होगा। मैं इधर 50 रुपए देकर फिश करी और चावल लिया था। म्यूजियम एंट्री गेट का राइट हैंड साइड में एक सुविनर शॉप भी है, आप चाहो तो इधर से कुछ परचेस करके अपना घर ले जा सकते हो। अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। म्यूजियम में अभी मेंटेनेंस के लिए और भी बहुत सारा गैलरी बंद है। आई होप आप जब म्यूजियम में घूमने आओगे तब वो सब गैलरी ओपन हो जाएगा। अंदर 2-3 घंटा घूमने के बाद मैं म्यूजियम के बाहर आ गया। म्यूजियम के बाहर भी आपको बहुत सारा कॉइन का दुकान मिल जाएगा, आप इधर से ओल्ड कॉइन परचेस कर सकते हो। इधर आप मेनी टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।